हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। तो एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप सबका हाल ठीक होगा। तो फिलहाल अब जा रहे हैं मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग जाने वाले कल्याण नर्सरी में। ये जो देख रहे हो भाई कहाँ पे हूँ, तो ये मैं मेरे खुद के गार्डन में ही हूँ। तो तुमको मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या क्या करना है, कहाँ से कहाँ क्या झाड़ लगाएंगे, और भाई जो पसंद है आज तो वो लेने वाले। तो आपको बता देता हूँ किधर क्या क्या अपने झाड़ लगाने वाले। यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे शेड लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत गीला हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे शेड का काम चल रहा है, और ये एरिया यहाँ पे साफ पूरा काम करना है। यहाँ पे साफ़ सफाई करके यहाँ पे मट्टी वट्टी डाल के यहाँ पे झाड़ लगने वाले हैं, और ऊपर टेरेस का भी काम चालू है। तो मैं वो भी आपको बता दूंगा बाद शाम एंड ऑफ द वीडियो की, क्योंकि वहाँ धूप बहुत हो रही है तो भाई हालत ख़राब है। तो भैया देख लो हमारा गार्डन, ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन। भाई ये देखो, आ तुमको एक शेर दिखाता हूँ। ये देखो, दिखा, ये मेरा मेरे घर का चार टांगों वाला शेर कहाँ कहाँ भटक रहा है पता नहीं। ये देखो इस एक चूहे को देखो, मेरा छोटा चूहा, ये देखो आ गया बाहर। मतलब गर्मी हो रही है, इसको ना फिर भी भटकना है बस। ए भाई ए चिमा, चल अंदर आ जा। ए चिमा चल चल आ जा। ये अपना छोटा घोड़ा, ये हमारा चैतक, और ये मेरा छोटा भाई। देखो मेरे को ड्राइविंग आती नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। ये आज अपने को ये लेके जाने वाला है। देख रहे हो शर्मा कैसे रहा है, हंस दे। भाई ये अपना कल्याण स्टेशन रोड है, यहाँ से सीधा जावे देखा अपना कल्याण स्टेशन आ जाता है। तो अपने को जाना है यहाँ से सीधा स्ट्रेट, यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको दिखेगा यह है डोमिनोज, ये अपना स्टोर आ गया, और ये आ गया अपना कल्याण डी मार्ट। देख लो ओवरटेक करके जा रहा है, चूंकि कैसे भी गाड़ी चला रहा है। हाँ तो भाई गाड़ी चला रहे हो संभल के चलाओ। तो अभी यहाँ से आ जाता हूँ, सीधा आना है और ये बैंक ऑफ इंडिया आने वाला है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से अपने को लेफ्ट मारना है बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ क्या सीधा जाके फिर से अपने को एक लेफ्ट लेना है, तो नर्सरी आ जाएगी। तो अपन वहाँ पर पहुँच के देख रहे हैं। ये देखो नर्सरी तो चालू हो गई है, यहाँ पर बहुत सारे झाड़ दिख रहे होंगे नर्सरी के। तो भैया झाड़ तो आएंगे ही, वो पाठ नर्सरी में अपन आ गए हैं। फिर अपनी गाड़ी हो गई पार्क, और अभी अपन जाके मेरे को देखो झाड़ तो अच्छे अच्छे हैं यार गुलाब के, देखते कौन सा अच्छा लगता है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं भाई, सक्यूलेंस नए नए सक्यूलेंस आ गए। यहाँ पे पीछे कैक्टस रखे हुए हैं, यहाँ पे सारे सक्यूलेंस हैं। मैंने ले लिए थे काफ़ी, बट यार इनको मेनटेन करना इस लाइक हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे सब भैया, मेरे को नाम भी नहीं पता किसके क्या है। तो इसमें से तो मैं ये वाला फिक्स हो गया, ये छोटे छोटे झाड़ से इसमें से मैं ये एक लूँगा जो मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, बट वो पता नहीं कहाँ गायब होगा, किसी ने निकाल लिया या फिर वो सूख के मर गया कॉर्डलोस। अरे तो कतई जहर लग रहा है, मस्त बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। और भाई यहाँ पे सारे शो के प्लांट है, ये शेवंती है फिर मैरीगोल्ड बोल दो। तो ये ऑलरेडी मतलब लेने हैं बट मम्मा चिल्लाएगी इसलिए मैं देने वाला नहीं। यहाँ पे ये है सही है, कौन सा है, ये भी शेवंती की लिखा हुआ है बट ये अलग लग रहे हैं पता नहीं चला। भैया मेरे को इसमें कलर पसंद नहीं आया, लाइक इट वॉज लाइक येलो और लैवेंडर, सो इतने सही नहीं लग रहे हैं। ये हैं बट इसको लगा तो लूँ, इसके लिए मेरे को फिर लगाने के लिए ना जगह देखनी पड़ेगी ऊपर बालकनी में। तो मैं सोच तो रहा हूँ कि ये वाले लाल वाले लूँ, लाल वाले लग अच्छे लग रहे हैं अपने पास जो घर पे हैं, वो पर्पल हैं और वाइट वाले हैं। तो यार एक लाल वाला ले लेता हूँ और बाकी देखते हैं और कौन से झाड़े आगे जाके, तो फिर डिसाइड करते हैं कौन से लेने फूल वाले में से। भाई देख रहे हो मनी प्लांट, मतलब कहाँ किधर नारियल के ऊपर झाड़ है कि वहाँ टॉप तक है, टॉप ऊपर तक। तो ओके सो ये सोच रहा हूँ कि मैं ये वाइट वाले लेने के लिए, काफ़ी सही लग रहे हैं यार, प्यारे लग रहे एकदम। तो ले लिया जाए कि ना लिया जाए, और एक ये वाले भी हैं यार, मैं ये ले लेता हूँ, कितने के 80 रुपए के, अपन एक ये ले लेंगे।
चलो भैया अपन ने ये डिसाइड किया, ये ले लेते हैं अपन काउंटर पे रख के आके और देखते हैं कौन से लेने झाड़। मैंने इसको दो तीन झाड़ पसंद आ गए तो अभी अपन वो देखने जा रहे हैं कौन से इसको अच्छे लगे। अच्छा यहाँ पे भी, अरे इधर ना छोटे छोटे पेपर वाले, अरे इधर भी तो हैं छोटे। देख कलर देख ले कौन सा अच्छा लग रहा तेरे को। ये पेपर फ्लावर्स बोलते हैं इसको, ये मोस्टली शो पीस में देखा होगा यूज हो रहा है हर जगह पे, या फिर वो रेलवे क्वार्टर्स, जो रेलवे क्वार्टर्स किसी ने पुराने देखे होंगे तो वहाँ पे गेट के बाहर ऐसे ही सारे झाड़ लगे होते हैं। तो अब ये भाई साहब का कहना है कि मेरे को लेना है, तो अब देखते हैं कौन सा कलर पसंद करता ही है, तो फिर अपन वो वाले ले लेंगे। यहाँ पे भाई सारे शो प्लांट्स हैं देख लो, ये अभी तो नहीं लूँगा मैं, अपने पूरे घर का सबका काम ख़त्म हो जाए, रेती वेती मतलब रेती वेती का जो भी सब है ख़त्म हो जाए तो फिर अपन लेंगे शो प्लांट्स। यहाँ पे देखते हैं कि और कौन से है, कि मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई सही लग नहीं रहा यार। ये तो सब वो फार्म हाउस साइड लगाते हैं सारे वही है, और ये काफ़ी बड़े वाले झाड़ हैं यार, तो फोर व्हीलर लेके आओ तो ही मतलब है। तो अपन देखते हैं, ये नहीं मिलेगा तो ऊपर हो कैसा देख रहे, नारियल का झाड़ है ये नहीं मिले खरीदना है ना, मेरे पास पैसे उतने सर पे रख के लेके जाएंगे अपन। तो इसमें ब्लॉसम पॉट में अपन ने ले लिया ये दो वाले, तो अभी जितने भी हो गए सबका बिल मारते हैं और निकलते घर के। घर पे अपन ने ये ले लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः ले लिया अपन ने कि ये यहाँ पे दो चिंकू पिंकू, ये बस 430 का बिल हुआ अपन ने, जिसमें 10 किलो मट्टी भी ली है, और अभी जाके थोड़ी खाद भी ले लेंगे क्योंकि ज़रूरी है वो झाड़ों के लिए। खाद लेके हो गया अपना, अभी चलते हैं अपन घर पे, तो मिलते हैं घर पर। मट्टी के दो बड़े वाले पैकेट या नीचे रखे वो भी अपन ने ले लिए, तो 10 किलो अपन ने मट्टी ले ली है। यहाँ पे सारे झाड़ आ गए, एडजस्ट कर दिए गए स्कूटी पे, अभी फटाफट निकलते हैं अपन सीधा, गर्मी काफ़ी हो गई है तो अभी मिलते हैं सीधा घर पे। तो बहन चो रोड का काम चालू रखा है लोगों ने, मतलब रास्ते की माँ बहन कर रखे बेफिजुल, एक साइड का बंद कर रखा है भाई, एक साइड आने जाने का रास्ता नहीं है, पब्लिक पागल जैसे गाड़ी चला रही है, अपनी खुद की गाड़ी अभी ठुकते ठुकते बच गई बे, क्या ही बोलूँ मैं अब, क्या ही बोलूँ। तो अब ऐसा हो गया है कि झाड़ मैं लेके आ गया हूँ, तो तुमको आप लोग लाइक आप लोग को तो मैंने बता दिया ही होगा कि कहाँ पे क्या झाड़ रख, कौन से प्लांट्स कहाँ पे रखने वाला हूँ, क्या है बालकनी का क्या, मैं कुछ सोच रखी और भी चीज़ें, तो वो डिस्कस करके अगर मे भी हो सकती पॉसिबल तो मैं बताऊँगा लाइक क्यों मतलब पहले ही बता के ढिंडोरा पीटना उस चीज़ों का, मे भी हो या ना हो तो इसके लिए देखते हैं। दूसरी चीज़ अभी शायद से प्लान बन रहा है हम लोग के गो कार्टिंग का, तो पहले देखते हैं कि वो पॉसिबल होता है नहीं, क्योंकि जैसे संडे और मुंबई में मेगा ब्लॉक होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान करते हैं कि अगर पॉसिबल होता जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 200 या 350 कुछ चार्जेस है, इसलिए कि वन राउंड टू राउंड हमको भी नहीं पता लगा यहाँ से हम लोग पवई जा रहे हैं और वहाँ पे पता चला कि 250 रुपये एक राउंड है, तो वर्थ इट नहीं है यहाँ से उतना ट्रैवल करो एंड फिर वो एक राउंड मार के रिटर्न घर पे आ जाओ। तो देखते हैं आगे क्या प्लान होता, नहीं तो फिर बोलिंग के लिए निकल जाएंगे या फिर ऐसे ही भटकेंगे बाइक पे और क्या। तो गाड़ी आ गया, अपन जाने वाले सीधा कांजुर मार्ग, और उधर से सीधा जाएंगे गो कार्टिंग के लिए। नागेश्वर टिकट निकाल दिया, मेरे को टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे बचे नहीं बेसिकली, मैं ऑनलाइन निकालता हूँ, ऑनलाइन टिकट निकाल दे रहा है। तो वहाँ पे गो कार्टिंग का देखते हैं, खाना नहीं खाया साला इसके गो कार्ट के चक्कर पर, तो मेरे को लग रही है भूख, तो अपन कांजुरमार्ग जाके पहले कुछ ठूसेंगे फिर वहाँ गो कार्टिंग पे जाएंगे पवई, तो मिलते हैं अंदर ट्रेन के। कांजुरमार्ग आ गए अपन, अभी मेरे को पता नहीं कहाँ जाना है, नागेश बताएगा किधर जाना है, उससे R&D जो करना था सब कर लिया, ट्रेन में रस्ती तो ट्रेन का कोई घंटा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग खुद फंसे हुए थे, हालत ख़राब हो गई, नगेट खाए नगेट बाहर आने वाली हालत पे था, तो आगे की जर्नी बताते चलते, बने रहिए हमारे साथ। नागेश अपने को लेके जा रहा है किधर जाना है, तो मेरे को ना मेरी पुरानी कंपनी दिखा देता हूँ जहाँ पे लॉकडाउन से पहले मैं काम करता था, मतलब कांजुरमार्ग स्टेशन से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो अपन ये लाइव ऑर्केस्ट्रा करके आता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिलायबल करके, यहाँ पे था मैं जॉब पे पहले क्लोथिंग में, भाई कपड़े कोते ही जहर कपड़े मिलते थे यहाँ पे, और मतलब जो काम करते थे उनके लिए यार काफ़ी चीज़ें सस्ती थी, तो मैंने ले लिए थे काफ़ी कपड़े सही थे। तो अभी चलो मिलते हैं अपन, ऑटो से जा रहे हैं, चलो चलते देखते क्या। ऑटो में बैठ गए शेयरिंग में, अपन जा रहे किधर जा रहे, आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके गो कार्टिंग करेंगे, और
और जिनको भी आना भाई, मुंबई वालों के लिए बोल रहा हूँ, अप्रूवल से अगर भाई वाया बाइक आ रहे हो तो वो भी सही है जो नियर बाय रहते हैं, या फिर जो CST कल्याण साइड से आ रहे वाया ट्रेन आ जाओ भाई। मुंबई वर्कर वालों को क्या समझा था ट्रेन का रास्ता यार, वही इतने तेज। तो अपन सीधा मिलते हैं अकोले में, अपन पहुँच गए, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर जो बाइक वाइक लेके आएगा उसके लिए, और अपन डायरेक्ट जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे फूड कोर्ट एंड वो सब दे रखा है भाई, जिसको आके खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। तो अपन आ गए, तो अभी जाके सीधा पूछते हैं प्राइस कितना है, क्या है, कितने टाइम का है और कितने राउंड्स एंड क्या मिलने वाले। तो तुमको अपडेट देता हूँ मैं, ज़रा डिटेल्स मांग ले ले। देख तेरे तेरे बचपन के तेरे तेरे लिए टिकट ये रखा था हम लोगों ने, बट तू आई नहीं, वो बात दूसरी है। ठीक है, ये भी था तेरे लिए हम लोगों ने मंगा के रखा था इधर, चिंगे पिंगे। देख ये भी है थॉमस पोपो इंजन, आई मीन टैंक इंजन। तो अपन आ गए इससे का मिनी, क्या बोलते हैं उसको, एम्यूजमेंट पार्क के जैसा है, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए सही है। यहाँ पे वी आर वर्ल्ड है, ये भी अपन ट्राई करते, प्राइस पूछते वी आर वर्ल्ड का कितना है, और पहले गो कार्टिंग का देखते, गो कार्टिंग का कितना क्या सीन है, क्या प्राइस है। ये गो कार्टिंग का प्राइस 5 लाख का 230, किसी को लाइक 250 था, 350 और 650 है, 16 लाख। और अभी अभी नागेश ने हमको खबर दी है कि जो अपना नंबर वेटिंग है वो 2 घंटा है, और अब बज रहे 4, अपने को बजेंगे 6 यहाँ पे अगर अपन रुकते हैं। तो देखते हैं वो डिसाइड करेगा क्या करना है। अब यहाँ पे इनकी गो गाइडिंग चल रही है, बट सीन ये है कि हेलमेट पहनना है और मैं पहनता हूँ पगड़ी, और मैं भाई क्वेश्चन है कि मैं हेलमेट कैसे पहने कैसे गो गाइडिंग करूँगा, क्वेश्चन ये आ जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई 2 घंटे का अपने को टाइम दिया है, तो लेट्स सी क्या सीन है, अभी देखते हैं, नहीं तो फिर CST निकलेंगे अपने जो बाकी के काम है वो सब काम के लिए। ऑटो का पैसा गया ऐसे ही, अभी गो कार्टिंग का बोल रहे नंबर नहीं आने वाला, नंबर नहीं आएगा क्योंकि अभी 80 चल रहा है, और जो टिकट का जो नंबर दे रहे हैं 171 दे रहे हैं, आई गेस 170 172, और मिनिमम जो लैप्स है 5 लैप्स का इनका ये है टाउन जिन प्लान। अपन जा रहे हैं CST, किधर गए थे लास्ट टाइम अपन, बैक जोन गए थे, तो वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे को माइक लेना, वायरलेस माइक लेना, मैं माइक भी देख लूँगा, मेरे को उसका ट्राइपॉड स्टैंड जो लेना है मैं सब ले लूँगा, बाकी अपने भाई राउंड नहीं मारना है। वहाँ से अपन चर्च गेट से जा सकते हैं पैदल, वहाँ से चर्च गेट जाके अपन जाके ये करेंगे। यहाँ पे पूल चालू है, पूल्स के 1-2-3 टेबल है, पूल अपने को घंटा आता है तो अपन खेलेंगे नहीं। VR रूम है, VR रूम का पूछते, अगर VR रूम, अगर इनके साथ में VR गेम्स खेलने मिलता है तो VR खेल लेंगे। हाँ, और हमको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को ऐसी पनौती लगी किसी की, जो हम जिस हम जितना प्यार से बिचारी को बुला रहे थे, अरे आ जा, और उसने बोला भट मेरे को नहीं आना, और हम यहाँ नहीं आ पाए। VR में पूछते थे VR का क्या सीन है, कितने चार्जेस से क्या है। यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें हैं, गायरो, स्काईरॉक, हॉर्स राइडिंग, लेजर शूटिंग, ये फ्रंट एंड, और 150 पर पर्सन है भाई, जो भी है यार पॉज करके देख लेना। कहीं से चूतिया गेम से अंदर के CST फ्रेश हो गए, अभी जा रहे सीधा बैक जोन में, और सारी चीज़ें वहाँ पे बताएंगे क्या क्या लेना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अगर अब तक वीडियो अच्छी हो तो भाई लाइक फेल दो, मतलब दबा दो। तो भाई अपन आ गए राशिद भाई के, ये देखो हम आ गए। देखो इनको, देखो आज अपन माइक लेके जाएंगे K9। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मेरे पास छोटा ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के यूज़ के अपने काम में आ जाएगा। माइक सिंगल एंटीना मिला, डुअल एंटीना अपने को लेने का था तो वो नहीं है, तो अपन सिंगल एंटीना ले रहे हैं। नागेश का स्क्रीन गार्ड लग गया है, तो और अभी देख रहे हैं कुछ और क्या क्या लेने का अपने को, कोई देख के क्या लग रहा है। और ये इंसान ना उसके साथ खेल रहा है, मतलब देख रहे हो। दोनों चीज़ ले लिया अपन ने, क्लैंप मेरे पास छोटा सा ट्राइपॉड है उसके लिया, अगली बार से वो लेके घूमेंगे अपन। और किट भाई माइक मैंने इसके लिए लिया कि भाई कभी मेरे फ़ोन से आवाज़ कम आई थी, कभी तेज आती, मेरे को बहुत त्रास हो रहा था, तो भैया ये ले लिया। यहाँ पे कंडेंसर प्रोफेशनल माइक है, स्ट्रीमिंग का जब मैं PC बनवाऊँगा, फिलहाल बनाया नहीं, तब ये वाला माइक लेंगे, बट ये USB वाला है सो मेरा मन नहीं, देखते हैं, नहीं हुआ तो भी पाम एक्सपो में जाना ही है, तो उसकी ब्लॉग भी आने वाली है जल्द, तो उस पर माइक चेक कर लें, अगर वहाँ पे बेरिंगर या फिर श्योर का माइक अगर सस्ते में मिलता है तो वहाँ से अपन ले लेंगे।
तो अब सीधे मिलते हैं आपके सबको सीएसटी स्टेशन पे। तो भाई अपनी गाड़ी आ रही है, अपन पकड़ रहा 6.2 बदलापुर पास, क्योंकि ये इस प्राणी को उल्लासनगर जाना है, इसलिए तो अपन वहाँ पे टिटवाला पकड़ के जाते थे। तो अपन फास्ट पकड़ रहे हैं बदलापुर और सीधा आप ये पहुँचाएगी अपने को घर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में, तो पहुँचेंगे अपन घर पे 8 बजे कुछ। तो बस आज के इतने भाई, अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब का बटन भाई दबा दो, प्यार दिखा दो। आज तुम्हारे भाई के 101 हो गए, 101 सब हो गए, हमको बहुत खुशी हो रही है आज 101 हो गए आखिर में 2 साल के बाद। सो गाइस अपन घर पे आ गए। तो बोलोगे भाई अवतार चेंज क्यों, क्योंकि अवतार इसके लिए चेंज हो गया मेरा, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ट्रेन में मेरी आवाज़ छोड़ के दुनिया की हर चीज़ की आवाज़ आ रही थी। तो ये पार्ट में एंड में मतलब सेकंड डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपन ने लास्ट टाइम जो अपने अभी तक का जो वीडियो देखा होगा, तो लास्ट में अपन ने बदलापुर की ट्रेन पकड़ ली, बदलापुर की ट्रेन पकड़ के फास्ट ट्रेन थी, तो मैं घर पे अराउंड 8:30 आ गया था। तो घर पे पहुँच के बस भाई दिन अपना वही रहा। सो गाइज अब तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है भाई आपकी मर्जी, बस अपना प्यार दिखा देना। और थैंक यू सो मच कि मेरा गेमिंग चैनल था पहले ये, तो गेमिंग चैनल में मेरे को इतने व्यूज़ करूँ या फिर इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितना मेरे ब्लॉगिंग पे मेरे को मिल रहा है। तो भाई थैंक यू सो मच, अपने 101 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इस वीडियो पे, और मम्मा का बर्थडे भी था, है बेसिकली या था आप कह सकते हो कि भाई हाँ 27/8/26, सो या मम्मा का बर्थडे था, मम्मा के बर्थडे के दिन ही मेरे 101 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो गाइस थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।